आज हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जिनका वेट उनकी हाइट और उनकी एज के अकॉर्डिंग कम होता है, जो वेट लॉस की कंडीशंस में फॉल इन कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये आ जाते हैं कि वेट कम होने के, वेट के हाइट और एज के अकॉर्डिंग कम होने के पीछे रीजंस क्या है। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I'm Zuha Suhail. I'm a lecturer at Rashtrati Medical College and a clinical nutritionist at Arif Memorial Hospital and Marham. आज हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जिनका वेट उनकी हाइट और उनकी एज के अकॉर्डिंग कम होता है, जो वेट लॉस की कंडीशंस में फॉल इन कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये आ जाता है कि वेट कम होने के, वेट के हाइट और एज के अकॉर्डिंग कम होने के पीछे रीजंस क्या क्या हैं। उसमें बहुत से बच्चे जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का मसला होता है, उनका जो वजन है अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जनरली कम होता है। इसके अलावा बहुत से लोगों में जेनेटिक्स का इशू आ रहा था, क्योंकि उनके पेरेंट्स में, उनके फोर पेरेंट्स में वजन शुरू से ही कम आ रहा होता है, जिस वजह से उनकी जेनेटिकली उनका जो वेट है वो अंडरवेट होने की तरफ ज्यादा जा रहा होता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, जिनकी बॉडी में वो कोई चीज अगर कंज्यूम करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से जब एब्जॉर्ब नहीं होती, वो अनएब्जॉर्ब बॉडी में जज्ब हुए बगैर एक्सक्रीट आउट होनी शुरू हो जाती है, तो उन लोगों का वजन अपनी हाइट और अपनी एज के अकॉर्डिंग कम रहता है, जिसमें सीलिक के पेशेंट्स आ जाते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट्स आ जाते हैं, स्टिटोरिया वाले पेशेंट्स आ जाते हैं, यानी कि वो लोग जो गंदम टॉयलेट नहीं कर पा रहे होते, जो लोग दूध से बनी हुई अशिया को टॉयलेट नहीं कर रहे होते, जो लोग चिकनाई से बनी हुई अशिया को टॉयलेट नहीं कर रहे होते, अगर उन लोगों को कोई भी मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है और वो ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं और वो चीज़ें बॉडी में एब्जॉर्ब हुए बगैर एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं स्टूल की फॉर्म में, तो उन लोगों का जो वजन है वो जनरली कम रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले यह आ जाता है कि जिन लोगों का वेट कम होता है, अपने फिजिशियन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ों का सबसे पहले ऑप्ट करना शुरू करें, क्योंकि जब मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं या टाइप 1 डायबिटीज होती है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू, प्रॉपर डाइटरी और न्यूट्रिशन काउंसलिंग करके पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ कंज्यूम करें और ये चीज़ कंज्यूम ना करें। लेकिन वो लोग जिनको जेनेटिकली इशू है, यानी कि उनके पेरेंट्स, फोर पेरेंट्स में वेट जो है वो कम रहता है, वो लोग और जो लोग किसी किस्म के डिसऑर्डर के अंदर नहीं है, उनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि उनको अपनी डाइट में किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ताकि उनका वजन अगर कम हो रहा है तो वो कम ना हो सके, वो एक ही पॉइंट पे रहे और ज़्यादा हेल्दी रेंजेस में आना शुरू हो जाए। उसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि अंडरवेट पेशेंट्स के अपने जो पोर्शन साइज है उसको सबसे पहले बढ़ा देना चाहिए। वो जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उनकी कैलोरीज प्रॉपरली हम कैलकुलेट करते हैं और उसके अंदर 500 एडिशनल कैलोरीज ऐड करते हैं, उनका पोर्शन साइज बढ़ाते हैं, ताकि उसके थ्रू उनकी बॉडी में एडिशनल कैलोरीज और इजाफी न्यूट्रिएंट्स जा सकें, जो उनकी बॉडी में हेल्दी बॉडी वेट को ला सके। उसमें सबसे पहले मैं पेशेंट्स को ऐसे कुछ सुपर फूड्स रिकमेंड करती हूँ कि जो बॉडी को हेल्दी रेंजेस में ग्रो करते हैं, हेल्दी वेट रेंजेस में लेके आते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग कैलोरी से भरपूर चीज़ें खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ता जाएगा और हम हेल्दी भी रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं और न्यूट्रिएंट्स कम हैं, तो आपका वजन तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने के साथ साथ दीगर जो हेल्थ रिस्क हैं, जिसमें शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, वेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ जाने का इशू है, गुर्दों के मसाइल हैं, वो लोगों में ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करती हूँ सनफ्लावर सीड्स, जिसको सूरजमुखी के बीज कहते हैं। वो ऐसे बीज है जिसमें हमारे पास हेल्दी फैट्स हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं, जो वजन को हेल्दी रेंजेस में बढ़ाते हैं। अब पेशेंट्स क्वेश्चन ये करते हैं कि हम किस तरह से कंज्यूम करें और कितनी अमाउंट में कंज्यूम करें। उसमें यह आ जाता है कि पेशेंट्स 1 ounce अमाउंट उसकी एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, अपने नाश्ते के सीरियल में डाल के, रोटी में बनाकर आप उसको ले सकते हैं, सालन में ऐड ऑन करके कंज्यूम कर सकते हैं, किसी चटनी में, आजकल जैसे गर्मियां हैं बहुत से लोग पुदीने की चटनी ले रहे होते हैं, दही के साथ ले रहे होते हैं, तो आप उसमें उसके बीज को ऐड करके कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मौजूद जो गुड फैट्स हैं वो वेट को हेल्दी रेंजेस में बढ़ाते हैं। इसके अलावा मैं दूध रिकमेंड करती हूँ। दूध में हमारे पास जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, केजीन है, वो हमारे मसल मास को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। जितना बॉडी का मसल मास अच्छा होगा, उतना आपका वेट भी हेल्दी रेंजेस में रहेगा और दीगर जो बीमारियां उनके रिस्क से आप बच सकेंगे। बहुत से लोगों में फैट मास ज्यादा होता है। हमारी बॉडी के दो मैसेज है, एक फैट मास, एक मसल मास। जिन लोगों में मसल मास ज्यादा होता है फैट मास के नस्बत, वो हेल्दी वेट में जा रहे होते हैं, लेकिन जिन लोगों में फैट मास मसल मास के नस्बत ज्यादा होता है, वो लोग वेट गेन की तरफ भी होते हैं और वेट गेन के साथ साथ उनकी बॉडी में दीगर जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उनका रिस्क उनकी बॉडी में ज्यादा होता है। तो दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें मौजूद जो प्रोटीन है वो मसल मास को बढ़ाती है, और जितना अच्छा मसल मास होगा उतना अच्छा आपका जो है वजन वो रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक दिन में कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क को हमने कंज्यूम करना चाहिए ताकि वेट जो है वो हेल्दी रेंजेस में आ जाए। तो वो लोग जिनको कोई डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ उनका वजन जो है वो कम है,
उन लोगों को एक दिन में 3 से 4 ग्लास होल मिल्क के कंज्यूम करने चाहिए, यानी कि उसमें से चिकनाई को रिमूव नहीं करना, उसमें मौजूद जो फैट्स हैं वो अपने दूध के साथ ही कंज्यूम करनी है। लेकिन बहुत से लोग दूध में चीनी ऐड ऑन कर लेते हैं। जब आप दूध में सफ़ेद चीनी ऐड ऑन करते हैं, उसके ज़रिए दूध में मौजूद जो गज़ाइत है वो ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स सारे ख़राब हो जाते हैं, हमारी बॉडी तक नहीं आ पाते, चीनी के साथ घुल के वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि वो लोग जिनको दूध मीठा पसंद है वो शहद ऐड कर लें या गुड़ ऐड कर लें। अगर ये दोनों चीज़ें ऐड ऑन कर दें तो एक तो इनके थ्रू कैलोरीज भी बढ़ेंगे और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे जाएंगे, जो कि आपकी बॉडी की सेहत के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बहुत से अंडरवेट बच्चे जो होते हैं वो एनीमिक भी हो रहे होते हैं, उनमें खून की कमी भी हो रही होती है, तो मोलासेस उनके लिए बहुत बेहतरीन है जो हमें गन्ने के रस से मिलता है। तो अगर आप लोग शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद जो मोलासेस हैं वो लो एचबी लेवल को भी ट्रीट ऑन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूध में जैसे मैंने बताया कि हमारा गोल ये होता है कि हमने कैलोरीज को भी बढ़ाना है और न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाना है। अब दूध का अगर आप एक ग्लास कंज्यूम करें तो कोशिश ये करें कि उसके अंदर आपके जो मौजूदा हेल्दी नट्स हैं जिसमें बादाम है, अखरोट हैं, वो डालें, उसके साथ आप उसके अंदर शहद ऐड ऑन करें। उसके अलावा जो फल अवेलेबल है, कोई भी फल आप अगर दूध में ऐड ऑन करते हैं उसके थ्रू दूध के अंदर जो मौजूदा कैलोरीज हैं वो भी फल के ऐड ऑन करने से बढ़ेंगी, उसकी गज़ाइत भी इम्प्रूव होगी और बॉडी तक वो वज़न को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा एग्स, अंडे, जिन लोगों का वज़न कम होता है और उनको किसी भी किस्म का गुर्दों से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता, वो एक दिन में 2 अंडे ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि अंडे में मौजूद जो प्रोटीन है वो 100% एब्जॉर्बेबल प्रोटीन है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी है। और जब आप एग्स कंज्यूम करते हैं तो एग्स के थ्रू जो प्रोटीन बॉडी में जाती है वो वेट को हेल्दी रेंजेस में बढ़ाती है। तो कोशिश ये करें कि 1 एग जो है वो आप अर्ली मॉर्निंग यानी कि नाश्ते के साथ कंज्यूम करें, और 2nd जो एग है वो आप बेशक अपने स्नैक टाइम में कंज्यूम कर सकते हैं या आप लंच के दौरान में उसको ज़रूर कंज्यूम करें। इसके अलावा मैं पेशेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ों को खाने से अवॉइड करवाती हूँ कि जो आपका वेट तो बढ़ाती हैं लेकिन उसको अनहेल्दी रेंजेस में बढ़ाती हैं। बहुत से लोग जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगर वो लोग जिनका वज़न कम है वो बेशक तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश ये करें कि गुड फैट्स का इस्तेमाल करें और बार बार फैट को फ्राई ना करें। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फ्राइंग पैन में बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के उसमें पोटैटोज फ्राई कर रहे होते हैं तो अंडरवेट पेशेंट्स के लिए वो हैं तो बेनिफिशियल, लेकिन जब आप एक ही ऑयल को बार बार फ्राई करते हैं तो उसका स्मोक पॉइंट आ जाता है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक गुड फैट बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बॉडी के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा बीमारियों का रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो अंडरवेट वाले जो पेशेंट्स हैं वो फ्राइड आइटम्स को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि गुड फैट में कंज्यूम करें। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग हेल्दी होते जाएंगे। ऑलिव ऑयल के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के ऑयल आते हैं, एक एक्स्ट्रा वर्जन होता है और एक पोमेस के नाम से होता है। जो एक्स्ट्रा वर्जन है उसको आपने सिंपल सीजनिंग के लिए इस्तेमाल करना है और जो पोमेस है आप उसको ड्यूरिंग कुकिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्राइंग के लिए जो बेस्ट ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल है, जिसको सरसों का तेल कहते हैं, लेकिन उसको भी आपने 2 दफ़ा से ज़्यादा फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप उसको जितनी बार यूज़ करेंगे वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट होकर बॉडी को अनहेल्दी वेट गेन की तरफ लेकर जाएगा। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी हमारे पास अंडरवेट पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी आपके जो मसल मास है वो बढ़ेगा, आपका मसल मास ग्रो करेगा। जैसे मैंने बताया कि जब फैट मास जो होता है वो ज़्यादा हो और मसल मास कम हो तो वेट अनहेल्दी रहता है, लेकिन जब मसल मास ज़्यादा हो और फैट मास कम हो तो आपका जो वेट है वो हेल्दी रेंजेस में ग्रो करता है। इसके अलावा लोग बहुत से क्वेश्चंस के साथ आते हैं कि हम लोग सब्जियां कौन सी कंज्यूम करें जो हमारे वेट को हेल्दी रेंजेस में बढ़ाएं। सब्जियों में ऐसी सब्जियां जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, जिसमें आपके पास आलू अवेलेबल है, मटर अवेलेबल है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि इनमें जो मौजूदा स्टार्च है वो वेट को हेल्दी रेंजेस में बढ़ाता है। और जो लोग बाजारी जो फ्राइड फूड्स ले रहे होते हैं जिसमें आलू के चिप्स वो बाहर से ले रहे हो तो उनको ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव जले होते हैं जो हमारी बॉडी की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें और जिन प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करना है उनको रिस्ट्रिक्ट करें, तो आपका जो वजन है वो हेल्दी रेंजेस में आना शुरू हो जाए। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।